हेलो गाइस, तो बात करेंगे आज इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी के नया साइनिंग मैट डर्बीशायरी के बारे में। हम नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी के एक एक फॉरेन प्लेयर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैट डर्बीशायरी से, कौन है वो और क्या है उनके कहानी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले सीजन में किस तरह से मैट डर्बीशायरी नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी को अपने तजुर्बे से मदद करने वाले हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक जस्ट अबाउट दैट। प्लेयर प्रोफाइल से शुरुआत करें तो दोस्तों काफी अनुभवी प्लेयर है मैट डर्बीशायरी। वेल 36 साल तो उनके हो चुके हैं, लेकिन अगर आप कैरियर स्टेट्स पर नजर डालेंगे, मोर देन 450 कैरियर मैचेस, मोर देन 170 कैरियर गोल्स, अनोखा रिकॉर्ड है उनके प्रोफेशनल लेवल पर। ओलंपियाकोस, ब्लैकबर्न रोवर्स, बर्मिंगहम सिटी जैसे क्वालिटी फुटबॉल टीमों की तरफ से वो खेल चुके हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट इंग्लैंड के अंडर 21 टीम को भी कई ओकेजन पर अपने कैरियर में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। जेम्स मिलनर, जुआन मेहता, जो हार्ट, मूसा सिसोको, एरन रमजी, स्टीवन टेलर जैसे प्लेयर के साथ वो खेल चुके हैं। तो गाइस डेफिनेटली ही समवन जो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलरों के फील्ड पर कड़ी टक्कर दिया था। मैट डर्बीशायरी की बात करें तो उनको द इंग्लिश किलर नाम से भी फैंस पुकारते थे, क्योंकि गाइस ग्रीस में एक डर्बी मैच में पनाथियाकोस के खिलाफ इंजरी टाइम पर गोल डालकर अपने टीम ओलंपियाकोस को उन्होंने 1-0 स्कोरलाइन से जीत दिलवाया था। ओलंपियाकोस की तरफ से भी उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग में अपना डेब्यू किया था। इसी के साथ वो किसी एक नॉन इंग्लिश क्लबों के साथ यूएफए चैंपियंस लीग में डेब्यू करना वन ऑफ द फर्स्ट 5 ब्रिटिश प्लेयर्स बने थे। आज की डेट तक सिर्फ 8 ब्रिटिश प्लेयर ने ही किसी नॉन इंग्लिश क्लबों की तरफ से चैंपियंस लीग में डेब्यू किया है, जिनमें जारेन सांचो के नाम भी शामिल है। तो गाइस मैट डर्बीशायरी के कैरियर में ऐसे बहुत सारे रोचक फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली वो सिप्रियट के क्लब एक लार्नाका के तरफ से खेल रहे थे, जिनमें उनको कुछ फर्स्ट टीम अपीयरेंसेस भी मिले और उन्होंने 5 गोल्स भी किए थे। दोस्तों मैट डर्बीशायरी की प्लेइंग एबिलिटीज की बात करें तो वो एक बेहतरीन फिनिशर है। अपने लॉन्ग रेंजर गोलों के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह से बार्थोलोमियो ओकबेचे ने 2018-19 सीजन में हाइलैंडर्स के लिए एक डेडली फॉरवर्ड का रोल प्ले किया था। फैंस अपकमिंग सीजन में मैट डर्बीशायरी से उसी प्रकार के एक रोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट मैट डर्बीशायरी इज दैट ही इज नॉट ए इंजरी प्रोन प्लेयर। अपने कैरियर में ज्यादा इंजरी का रिकॉर्ड उनका नहीं है। तो गाइस ओवरऑल अगर आप डर्बीशायरी के बारे में बात करें तो आई थिंक इज ए गुड साइनिंग फ्रॉम हाइलैंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब फील्ड पर डर्बीशायरी कैसे खेलते हैं वो आने वाले सीजन में देखने लायक होगा।